आज संसद में केंद्र सरकार दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा बिल पेश कर सकती है। खबर है कि सरकार लोकसभा में इसे पेश कर सकती है, जिसके बाद एक बार फिर सदन में हंगामे के आसार है। ये वही अध्यादेश है जिसे लेकर केंद्र और आम आदमी पार्टी के बीच जंग जारी है। आम आदमी पार्टी से असंवैधानिक तक कह चुकी है। हाल ही में बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग के दौरान कांग्रेस ने भी इस बिल का विरोध करने का ऐलान किया था और कांग्रेस ने अपने वादे को निभाते हुए आज अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर संसद में मौजूद रहने को कहा है। कई और विपक्षी दलों ने सदन में इस अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की बात कही है। तो बता दें कि आज बिल का संसद में पेश किया जा सकता है और इस पेश पर इस अध्यादेश के मामले पर लगातार लंबे वक्त से केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच में खिंचातानी चल रही है। चलिए अधिक अपडेट के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या अपडेट है? देखिए, आज पेश किया जा सकता है इस बिल को, संसद में लगातार विरोध किया जा रहा है इसका एक तरफ से, और एक तरफ से जो है खिंचातानी भी चल रही है। देखा जाए तो इतने टाइम से सदन में सिर्फ और सिर्फ मणिपुर और अध्यादेश को लेकर हंगामा ही हुआ है। क्या आज शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई होगी? ये बिल पेश हो पाएगा? क्या होगा आज? देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ऑर्डिनेंस, जैसा कि दिल्ली सर्विस ऑर्डिनेंस लाया गया था, तो इसके तहत रूल है कि अगर पार्लियामेंट चल रही है तो इस ऑर्डिनेंस को संसद से 6 हफ्ते के अंदर पास कराना जरूरी होता है। कल आपको मालूम होगा कि कल ही कैबिनेट ने इस बिल की मंजूरी दे दी है और ये कहा जा रहा है कि आज लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी बिल को लाया जा सकता है। हालांकि अभी तक ये बिल लिस्टिंग नहीं है, क्या सरकार आज लाएगी या कल लाएगी, अचानक आज ला सकती है, अभी ये क्लियर भी नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस बिल को देखें तो ये मामला पिछले कई महीनों से चल रहा है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली सरकार की तरफ से चैलेंज किया गया था कि सरकार जो है, दिल्ली केंद्र सरकार, वो सारे पावर LG को दे रही है और अधिकारियों के जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पावर हैं वो दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए क्योंकि वो चुनी हुई सरकार है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ऑर्डिनेंस है, इस ऑर्डिनेंस में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाया गया है जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो केंद्र सरकार के जो डायनेक्स के ऑफिसर्स हैं उनका काम देखेगी और ये जो अथॉरिटी है LG के अंडर में काम करेगी और यही बोन ऑफ कंटेंशन है। ये यानी यही एक ऐसी चीज़ है जो दिल्ली सरकार इसे काफ़ी अपने खिलाफ मान रही है। अब चूंकि मणिपुर का अगर आपने जिक्र जैसे किया, पिछले कई दिनों से मणिपुर का इशू छाया हुआ है, लेकिन आप याद करें कि जो बेंगलुरु में इंडिया नाम का जो फ्रंट बनाया गया जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गए थे, उससे पहले कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि इस बिल के खिलाफ वो रहेगी, बिल के खिलाफ अपना वोटिंग करेगी और दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसका साथ देगी। तो ये इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि ये जो अपोजिशन का फ्रंट है उसके का भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और कई दल केजरीवाल के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ इस मामले पे होंगे। लेकिन अगर आप नंबर्स की बात करेंगे तो देखिए, लोकसभा में भी सरकार के पास बेहतर नंबर है, अच्छे नंबर है और राज्यसभा में भी वो अपने सहयोगी संगठनों के साथ, सहयोगी दलों के साथ इस बिल को वो पास करा सकते हैं। हालांकि राज्यसभा में काफ़ी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ये जो सबसे बड़ी बात है। यहाँ एक आम आदमी पार्टी के लिए भी एक सेटबैक है क्योंकि उनके एक सांसद जो राज्यसभा से हैं वो निलंबित भी कर दिए गए हैं, तो इस वजह से जो उनकी स्ट्रेटजी है वो थोड़ा अगर आप देखें तो सब कुछ राघव चड्ढा के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये बिल कब आता है, किस संसद में लाया जाता है, लोकसभा लाया जाता है, राज्यसभा लाया जाता है, क्या आने का टाइम होता है और क्या सरकार के लिए बहुत ईजी होगा इस बिल को पास कराना राज्यसभा से, या मामला फिर एक तरीके से काफ़ी आर्गूमेंट का होगा और नंबर्स देखने की बात होगी कि किस तरह नंबर से सरकार इस बिल को पास करा लेती है। ठीक है मनीष, देखिए अगर बिल वहां पर पेश किया जाता है तो हंगामा तो जरूर होगा, हंगामा होगा, लंबा हंगामा चलेगा, कार्रवाई को स्थगित भी किया जाएगा और यही पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देखते भी आए हैं कि जब भी किसी भी मुद्दे को लेकर बहस होती है तो उस वक्त पर जो है कार्रवाई स्थगित होती है क्योंकि हंगामा इतना ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं आज के जो हालात हैं क्या बाकी दिनों की तरह रहेंगे या फिर आज बिल पेश करते वक्त कुछ अलग हालात देखने को मिल सकते हैं और काफी विपक्षी पार्टियां ऐसे हैं जो आज आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाली हैं इस मुद्दे को लेकर, कौन कौन सी वो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं? देखिए, अगर आप राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा
हंगामे के बावजूद कल चली थी काफ़ी देर तक, जिसकी हम जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि लगातार राज्यसभा लोकसभा दोनों में हंगामा हो रहा है। दूसरी जो बड़ी बात है कि कई बार बैकडोर चैनल से भी बात होती है, कई बार जो सत्ता पक्ष है या जो राज्यसभा लोकसभा के अंदर विपक्ष की भी अपनी स्ट्रेटजी होती है। अब इस बिल को लेकर के इस बिल को संसद से पास नहीं होने देना है, अगर अपोजिशन पार्टी अपनी स्ट्रेटजी इस पर बना रहा होगा, अभी से बनाया होगा, और चूंकि ये इंडिया जो फ्रंट बना है उसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है कि वो एक दूसरे का साथ दे सदन के अंदर खासतौर पर, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ देर के लिए हंगामे ना हो और इसमें एक आर्गूमेंट किया जाए, काफ़ी ज़्यादा बहस हो और बिल को ना पास कराने को लेकर के पूरी कोशिश की जाए, ये भी हो सकता है। दूसरा स्ट्रेटजी हो सकता है कि अगर आपको पता है कि भाई आपके पास नंबर नहीं है तो फिर आप इतने हंगामा करेंगे सदन ना चल पाए, लेकिन इसके बावजूद भी बिल पेश हो सकता है अगर सभापति चाहेंगे तो। जहाँ तक आपने बात की किस किस दल का साथ है, तो आप देखिए तो सारे अपोजिशन के जो भी दल हैं, चाहे आप TMC की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, या फिर जो दूसरी उनकी जो तमाम जो रीजनल पार्टीज़ हैं, वो सारे इस मामले में साथ हैं। लगातार आप देखें नीतीश कुमार जो लगातार केजरीवाल के घर पे भी गए थे कुछ दिनों पहले, और उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया कि कैसे अगर अपोजिशन एक साथ नहीं आएगा और अपने अपने इश्यूज़ पर बात करेगा तो NDA सरकार को 2024 में हराने के लिए उनकी जो स्ट्रेटजी कमज़ोर पड़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं थिंकिंग तो जरूर है अपोजिशन पार्टीज़ के अंदर कि यह बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है, यह बात 2024 के लिए है, और अब आप देख रहे हैं कि पूरा चुनाव का माहौल बन चुका है। दूसरी बड़ी बात कि अब ये भी देखना होगा कि क्या सरकार पहले किस सदन में बिल को लेकर के आती है, तो ऑब्वियस है कि सरकार आश्वस्त है कि वो बिल क्लियर करा लेंगे। अब यही देखना है कि क्या इस मामले में आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी होती है और किस तरीके से वो इस बिल को ना पास कराने को लेकर के अपनी मुहिम बनाते हैं। ठीक है अरविंद, आप बने रहिए इन तमाम जानकारियों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका, लेकिन आगे भी और अपडेट आपसे लेते रहेंगे।